और मेरी ग्रुप मेंबर है अनम सफ्तर। हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है सिंपल इनकोडर्स। इस पे हम देखेंगे कि इनकोडर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ ऑटो इनकोडर्स क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती हैं ऑटो इनकोडर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑटो इनकोडर्स। तो ऑटो इनकोडर्स हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की टाइप है। हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप हमारे पास ऑटो इनकोडर है। ये हमारे पास बेस्ड करता है अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर। पहले हमने जितने भी अपने मॉडल्स देखे हैं वो हमारे पास क्या थे, सुपरवाइज्ड के ऊपर बेस कर रहे थे। इसके अंदर हमारे पास लेबल्स इवन नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड के ऊपर वर्क करता है। इसका जो मेन एम होता है, जो गोल होता है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपने डेटा के डिमेंशन को रिड्यूस करना होता है। ये हमारा मेन जो है वो गोल है ऑटो इनकोडर्स का। तो हमने कल देखा था कि जो पीसीए हैं वो भी हमारे पास क्या है, डिमेंशन को रिड्यूस करते हैं। ये भी हमारे पास डिमेंशन को रिडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस है वो हम एंड में देखेंगे। तो हम ऑटो इनकोडर्स की पहले बात करते हैं। तो ऑटो इनकोडर्स के अंदर हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास विजिबल इनपुट्स होते हैं, जो हम इनपुट्स देते हैं, उसके बाद हम अपने इनपुट को इनकोड करते हैं, उनके जो डिमेंशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं, और अपनी अच्छा हिडन नोड। एक मिनट, ड्यूरिंग लेक्चर किसी को भी साथी कोई एम्बिगुइटी हो तो साथ ही क्लियर कर ले, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक समझ आएगा तो आप लोगों को अगला टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज ये चीज समझ नहीं आएगी। चलिए कंटिन्यू अक्सा। हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास जो प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं, डोमिनेंट फीचर्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने हिडन नोड्स के अंदर उनको सेव करवा लेते हैं। ये हमारे पास जो हिडन नोड होते हैं, हम इसको कोड भी कहते हैं, हम इसको बॉटलनेक लेयर भी कहते हैं। तो जब हम डिकोड करेंगे, तो हम जो डिकोड करेंगे, तो हम जो हम इनपुट जैसे हम डिकोड करेंगे, वो हम बॉटलनेक जो लेयर है, जहाँ से हमने अपने फीचर्स, प्रोमिनेंट डोमिनेंट फीचर्स हैं वो हमने सेव करवाए हैं, उसको हम एज एन इनपुट लेयर यूज करेंगे और उसी से हम अपनी डिकोडिंग करेंगे। तो जो डिकोड लेयर होगी वो हमारे पास वेरी सिमिलर होगी, सिमिलर नहीं होगी, वेरी सिमिलर होगी। तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अपने डाटा को रिड्यूस कर रहे हैं, उसकी डिमेंशंस को जब बनेगी तो हमारे पास जो आउटपुट के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ फिजी होगा एज कम्पेयर टू इनपुट लेयर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि हम कैसे एक जो हमने रिड्यूस किया है, हमने उसके प्रोमिनेंट फीचर से हम किस तरह हम अपना इनपुट जो हमारे पास इनपुट लेयर थी उस जैसा ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास इनपुट लेयर है, हमारे पास बॉटल नेक लेयर है और हमारे पास आउटपुट लेयर है। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अपने फीचर्स को बॉटल नेक लेयर में सेव करवा रहे हैं, और उससे हम उसको यूज करते हुए उस बॉटल नेक लेयर को हम अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम तो हमने यहाँ पर एक यूजर है, हमने उससे क्या किया, अपना फीडबैक लिया कि उसको मूवीज कैसी लगती हैं। तो उसने फर्स्ट मूवी को कहा कि ही लाइक्स इट, और सेकंड मूवी उसने डिसलाइक किया। तो हमारे पास ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये हमने इनपुट ले लिया। अब हमने इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, डोमिनेंट फीचर्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉटलनेक लेयर पे, अपनी कोड लेयर में, अपनी हिडन लेयर में सेव करवा लिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास इनकोडिंग होती है, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन अप्लाई होता है, टेंजेंट, हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके अंदर हम +1 से -1 की वैल्यूज लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ब्लू कलर की हमारे पास जा रही है लाइन, ये हमारे पास +1 को शो कर रही है, और जो ब्लैक है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये 1 अब यहाँ से लेंगे तो +1, और जो जो आप देख रहे हैं कि पहले इनपुट से क्या कर रही है, तो ये भी +1 को शो कर रही है। तो +1 +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई जब होगा यहाँ पर 1 से, तो यहाँ पर हमारे आउटपुट की पहले नोड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जर्नल हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बॉटल नेक लेयर क्यों डेटा को यूज करके हम अपना इनपुट अभी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि सिमिलर होगा हमारे जो आउटपुट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सिमिलर होगा इनपुट से। सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो जो लाइन है, ये एक हमारे पास है वो
ब्लू की है मतलब प्लस वन की, और जो सेकंड है वो हमारे पास ब्लैक है माइनस वन की. तो प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा. सेकंड में भी हमारे पास सेम ही है, प्लस वन माइनस वन जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो. सेकंड में आप देखें तो दोनों ब्लैक हैं, तो माइनस वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू, सेव हो जाएगा. अब यहाँ पर जो है हमारे पास इनकोडिंग के अंदर हमारे पास हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन अप्लाई होता था, और जो हमारे पास आउटपुट है वहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास यूज हो रहा है वो हमारे पास एक सिग्मॉइड यूज हो रहा है. जैसे हम आउटपुट में सिग्मॉइड का फंक्शन अप्लाई करते थे, और उसके साथ हमारे पास सॉफ्ट मैक्स यूज हो रहा है. तो सॉफ्ट मैक्स जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको वो वन कर देता है, रेस्ट वैल्यूज को हमारे पास वो क्या कर देता है, जीरो कर देता है. तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, सिमिलर सिमिलर है हमारे इनपुट वैल्यू से. ठीक हो गया, तो इसी तरह इसकी वर्किंग होती है. हमने उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर है. आर्किटेक्चर हमारे पास इसका क्या है, इसके अंदर थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं. इनकोडर है, हमारे पास कोड लेयर है, और हमारे पास डिकोडर है जो कि हमारे इनपुट डेटा को इनकोड करेंगे, उसकी डिमेंशन को यहाँ पर सेव करेंगे, और इसी तरह इसको इसकी जो हमारे पास कोड लेयर होगी उसको यूज करते हुए हमारे पास डेटा को डिकोड करेंगे, और जो हमारे पास आउटपुट लेयर आएगी वो वेरी सिमिलर इससे होगी इनपुट लेयर से. ऑटो इनकोडर्स अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये सिमिलर है न्यूरल नेटवर्क से. हमें इसके अंदर बायस का फंक्शन यूज करते हैं, ये हमारे पास अपने जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम बायस यूज करते हैं. यहाँ हम इनपुट देंगे, यहाँ हम अपने हमारे पास ये है, क्या है, एक बॉटल नेक लेयर है. इसके अंदर हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके प्रोमिनेंट फीचर्स को सेव करवाएंगे, और यहाँ हमारे पास आउटपुट आएगा. जो हमारे पास इनपुट लेयर होती है वो हमारे पास सेम हमारे पास हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं, मगर हमारे पास जो उसकी डिमेंशन होती है वो रिड्यूस्ड होती है. तो इसके अंदर हम ऐसा ही करते हैं, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन भी करते हैं, ठीक है, और हमारे पास बैकवर्ड प्रोपोगेशन भी होती है, जिससे हम न्यूरल नेटवर्क में यूज कर रहे हैं. तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे और फिर अपने आउटपुट से अगर हमारा लॉस फंक्शन आएगा तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए दोबारा से बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे. अब आप देखें, अगर आप इसको ब्रीफली देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ ट्रेन्ड नेटवर्क है, ये अनसुपरवाइज्ड नेटवर्क है. अगर आप इसको डीप डेप्थ में देखें तो ये हमारे पास सेल्फ ट्रेन्ड नेटवर्क है. एज इट इज ये हमारे पास डेटा गिवन है, डेटा गिवन है, यहाँ से हम एक रो को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपनी इनपुट लेयर में पुट करेंगे, इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हमारे पास हिडन लेयर में सेव हो जाएंगे. हिडन लेयर को एज एन इनपुट लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे. डिकोड करके हम अपना डेटा को देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो इनपुट लेयर से कितना इसमें लॉस है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगी और बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगी. तो इस तरह हमारे जितने भी इनकोडर्स हैं वो ट्रेंड होते हैं. तो ये हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इनकोडर. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इनकोडर्स होते हैं. हमने जो वर्किंग डिस्कस की है, स्ट्रक्चर किया है, ये हमारा सेम होता है. ये सिंपल जो बैकवर्ड प्रोपोगेशन है, इनकोडिंग यूज हो रही है, डिकोडर यूज हो रहा है, बॉटल नेक लेयर यूज हो रही है, इन सब के अंदर यही कॉन्सेप्ट आएगा, मगर इनकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो वेरी करेंगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो वेरी करेगा, इनके ऊपर जो हमने एल्गोरिदम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो वेरी करेंगी. और ये सारे टाइप्स हैं किसकी, है ऑटो इनकोडर्स की टाइप है. अगर हम पहले को देखें तो हमारे पास है डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर. ये आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर में क्या होता है कि हम अपना एक हम उसमें नॉइज होता है इमेज को, वो उसे नॉइज को रिमूव करता है। बात सुने आपने, ये जो डीनॉइजिंग और ये जो ऑटो इनकोडर्स हैं, इन्हें यहाँ से तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने इनके डायग्राम्स वगैरह की कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लाइक वहां से अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देते। अच्छा, जी, आगे आएगा वो आगे आएगा, ठीक है, डीनॉइजिंग कंटिन्यू। का आएगा, मगर फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, मतलब कोई ब्रीफली बात चीजें नहीं, कोई बता। बात नहीं, मैं अभी यही चाह रही हूँ कि आप डायग्रामेटिक व्यू के अंदर ना उस चीज को जरूर कर दो। ठीक तो है, आगे हमारे पास कंटिन्यू। इसमें क्या होता है, इनपुट लेयर होती है एक, हमारे पास नॉइज हम उसमें डाल देते हैं, और वो क्या करेगा, उसे जब डिकोड करेंगे तो हमारे पास जो नॉइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पर्स ऑटो इनकोडर होता है, इसके अंदर हमारे पास जो हिडन नोड्स होती हैं वो ग्रेटर होती हैं इनपुट लेयर से, क्योंकि हमारे पास जो फीचर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जहाँ पर हमारे फीचर्स जो हो हमने एक्सट्रैक्ट करने हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो और वो ज्यादा हो जाए, तो वहां पर हम स्पर्स ऑटो इनकोडर का यूज करते हैं। उसके पास डीप ऑटो इनकोडर्स हैं, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास बोल्ट्जमैन मैकेनिज्म मशीन आ जाती है, जो कि एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। और उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो इनकोडर है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास ये स्पर्स ऑटो इनकोडर जैसा ही होता है, इसके अंदर हमारे पास डीनॉइजिंग भी होती है, रिवर्स्ड होता है, जैकबियन मैट्रिक्स इसके अंदर हमारे पास यूज होती है। उसके बाद हमारे पास स्टैक ऑटो इनकोडर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अंडर कंप्लीट ऑटो नेटवर्क हमारे पास सिंपल है, हम इसके अंदर डिमेंशन को रिड्यूस करते हैं। और कन्वर्शनल नेटवर्क हमारे पास गैन की तरह होता है, इसके अंदर हमारे पास सिग्नल्स होते हैं और उससे हम अपना आउटपुट निकालते हैं। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर एक टाइप है हमारे पास ऑटो इनकोडर की, इसके अंदर हम इमेजेस को लेते हैं, यह हमारे पास गैन से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम जो हमारे पास हिडन लेयर होती है वो टू स्प्लिट हो जाती है, टू के अंदर एक मीन वेक्टर के अंदर और एक स्टैंडर्ड डेविएशन वेक्टर इमेज के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इनकोडर्स हैं, मेन वर्किंग इनकी वही है, मगर इनकी एप्लीकेशंस और स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। अब एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि हमारी लाइफ डेली लाइफ के अंदर इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स के अंदर ओरिजिनल इमेज है, उसके अंदर हमने एक नॉइजी इमेज भी दे दी, अब हम इसको डिकोड करेंगे तो जिस पर इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स होंगे वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट होके हमारी जो कोड लेयर है, बॉटलनेक लेयर है, हिडन लेयर है, उसके अंदर सेव हो जाएंगे, और उसको यूज करते हुए वो इसको डिकोड करेगा, और जो हमारी आउटपुट लेयर होगी वो हमारी इस तरह आएगी, और इससे हम अपने लेटर्स को रीड कर सकते हैं कि ये हमारे पास 4 है, तो हमारे ओरिजिनल इमेज भी 4 थी। उसके बाद इसके अंदर हम इमेज कलराइजेशन करते हैं, हम अपने इमेज को डिफरेंट कलर्स शेड्स दे सकते हैं, हम अपने वाटर मार्क्स होते हैं अपनी इमेज के ऊपर, उनको हम खत्म कर सकते हैं अपने वाटर मार्क्स को। अपनी डिमेंशनैलिटी रिडक्शन होती है इसके अंदर, आपने देखा है ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव इमेज है जो हमने बनाई है, और इसे आप देख सकते हैं वेरी सिमिलर है कंपेयर टू ओरिजिनल इमेज। उसके बाद जनरेट इमेजेस होती हैं हमारे पास वेरिएशनल न्यूरल नेट इस वेरिएशनल ऑटो इनकोडर में, जैसे हम देखेंगे कि हमने एक इमेज से हम काफी फेक इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह हम गैन में करते हैं, इसी तरह हम इससे भी और इस ऑटो इनकोडर से भी अपनी फेक इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इनका इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी डिमेंशन को रिड्यूस करके वो अपना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूरल इनपेटिंग होती है, हमारे पास किसी भी इमेज को हम अगर इसके फीचर्स को यहाँ से रिड्यूस कर लें और हम वहां से अपनी इमेज को रीबिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी काफी एप्लीकेशंस हैं, एनोमली डिटेक्शन है, हम अपने ऑटो इनकोडर से एनोमली को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन वॉइस जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रिडक्शन कर सकते हैं, मीन्स के हम अपनी जो वीडियो होती है हमने उससे हम अपनी फेक वीडियोस प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हमारे पास रिकमेंड आ रहे होते हैं कि अपने ये वीडियोस आप यूज कर सकते हैं, तो हम ऑटो इनकोडर्स के जरिए उनको
अपने व्यूअर्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप व्यू करें। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये एज कम्पेयर टू गैन हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर जब हमारे पास इमेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास जो ऑटो इनकोडर है वो इमेजेस जो होती हैं वो उसके अंदर ब्लरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब हम अपना जीपीजी और इनकी बात करते हैं अब तो ये हमारे पास लॉसी इमेज देता है, तो इस वजह से भी ऑटो इनकोडर्स वेरी आर नॉट वेरी एफिशिएंट। कंक्लूजन की बात करें तो ये हमारे पास बताया कि और न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप है। इसके अंदर हम अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू काम करते हैं। थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, इनकोडिंग, एक बॉटलनेक लेयर और डीकोडिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिमेंशन को रिड्यूस करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और ये जो होते हैं गैन से हमारे पास इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, मगर फिर भी है हमारे पास बर्जनिंग फील्ड है न्यूरल नेटवर्क की। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपनी जो डेटा है उसके डिमेंशन को रिड्यूस करके और फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो डीप लर्निंग के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है।